दबाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला खातमिल अंबियाए वल मुरसलीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और जुमला दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए। मैं मुफ्ती हकीम ख्वाजा मोहम्मद सोहेब अर्रहमान शिफा खाना ज़िला रहीमिया खान से आपकी खिदमत अक़दसा में एक बहुत ही अनमोल बवासीर से मुंसलिक एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है मेरी पहले वाली वीडियोज़ भी आपको पसंद आई होंगी। तमाम बहन भाइयों को सोहेब वॉइस चैनल के अंदर खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मेरा मौजू है वो है बवासीर, चाहे वो खूनी हो या बादी हो, मौक़ों वाली हो बिना मौक़ों वाली हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, तो उस सूरत में ये नुस्खा आप दो मरतबा इस्तेमाल करें, तीन मरतबा इंशाल्लाह, सुम्मा इंशाल्लाह ज़िंदगी भर के लिए आपकी इससे जान छूट जाएगी। नुस्खा बताने से पहले मैं तमाम दोस्तों से ये इल्तिमास करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। नुस्खा, दो नुस्खे मैं आपकी खिदमत अक़दसा में बयान करने लगा हूँ। सबसे पहला नुस्खा आपने लेना है कि डेढ़ आधा किलो तक आप दूध ले लें घर के अंदर। इस दूध के अंदर आपने ऐसा करना है कि आपने इसको झाग लगा के किसी मिट्टी के बर्तन में रख लेना। सुबह जब ये मिट्टी के बर्तन वाली दही होगी तो ये मेरे ख्याल में डेढ़ पाव या एक पाव के करीब बनेगी, तो इसमें आपने दो चम्मच इसे घोल का छिलका डालना है, दो चम्मच आपने जैतून के तेल के डालने हैं, दो चम्मच इसमें शक्कर के डालने हैं, ब्राउन देसी शक्कर बगैर केमिकल वाली। आप इसको मिक्स करके सुबह सुबह तीन चार दिन मुस्तकिल तौर पर खाएं। एक नुस्खा ये इस्तेमाल करें, अगर हो सके तो इससे भी पहले आप ये करें कि रात को आपने तकरीबन पाँच दाने कम से कम इंजीर के भिगो के पानी में रख देने हैं, सुबह सुबह आपने वो इंजीर खा लेने। ये दो नुस्खे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जितनी पुरानी से पुरानी भी बवासीर होगी अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो, अल्लाह पाक हम सबको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा और दुनिया जहाँ की खुशियाँ खैर व आफियत से अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।